नमस्कार, जय माता दी। मैं हूं आपकी अपनी लाइफ डिजाइनर जीतू आचार्य। पितृ पक्ष जब आता है तो ये कहा जाता है कि हमारे पूर्वज धरती के इर्द गिर्द होते हैं, यानी पृथ्वी पर भ्रमण कर रहे होते हैं। इसीलिए पितृ पक्ष पर कोई भी अगर आप कार्य पितरों के निमित्त करते हैं तो सीधा आपके पितरों, आपके पूर्वजों तक पहुंचते हैं वो आपके कर्म। शुभता और शुद्धता का खास करके ध्यान रखा जाता है। लेकिन इसके अलावा कारण क्या होता है कि इसी समय ही पितृ पक्ष जो है मनाया जाता है, और ये पितृ पक्ष कब से कब तक रहने वाला है? कहा जाता है कि भाद्रपद महीने की पूर्णिमा तिथि पर पृथ्वी के इर्द गिर्द, यानी पृथ्वी के गोल से उत्तर गोल की ओर जो सारे देवता है वो उत्तर गोल की ओर भ्रमण करते हैं, और दक्षिण गोल पर चंद्र लोक के साथ पृथ्वी के करीब से गुजरते हैं। तो पृथ्वी के करीब से जब दक्षिण गोल की ओर चंद्र लोक से गुजरते हैं तो वहां ये कहा जाता है कि जो पूर्वजों की पितरों की आत्माएं होती है वो उस समय धरती के इर्द गिर्द जो है वो भ्रमण करती है, इस गोल दक्षिण गोल की तरफ भ्रमण करती, जो कि दक्षिण दिशा पूर्व यानी पितरों की दिशा मानी जाती है। इसी कारण से पृथ्वी के इर्द गिर्द उनके जो एक संकेत तौर पर, एक उनकी एनर्जीज के तौर पर पृथ्वी के इर्द गिर्द उसका आभास जो होता है वो ज्यादा होने लगता है हमें। अब सनातन धर्म में पितृ पक्ष को खास महत्व दिया गया है पूर्वजों के निमित्त कार्यों को करने के लिए। हिंदू पंचांग में भी ये कहा जाता है कि भाद्रपद महीने की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि, इस दिन पितृ पक्ष आरंभ होता है, यानी महाले का प्रथम जो पूर्णिमा श्राद्ध होता है वो इसी दिन माना जाता है, और आश्विन महीने की कृष्ण पक्ष की अमावस्या को ये पितृ पक्ष जो है वो समाप्त होता है। 16 दिन तक रहने वाला ये पितृ पक्ष ये बहुत ही श्रद्धा भाव से पितरों के निमित्त कार्य करने वाला होता है, पितरों को, पूर्वजों को याद करने वाला होता है, पितरों के प्रति अपनी संवेदनाएं करने वाला होता है, पितरों के प्रति अपने भाव प्रकट करने वाला होता है। तो ऐसे में आपको बहुत सारी चीजें जो होती हैं इस समय अवॉइड करनी चाहिए, और बहुत सारे अच्छे कर्म जो होते हैं वो इस समय आपको जरूर करने चाहिए। अब ये पितृ पक्ष जो है ये कौन सी तारीख से कौन सी तारीख तक रहने वाला है, यानी 29 सितंबर से पूर्णिमा के साथ शुरू होने वाला पितृ पक्ष 14 अक्टूबर तक रहने वाला है, और इसी बीच में बहुत सारे जैसे मातृ नवमी श्राद्ध आता है, या फिर अचानक घटनाएं जिनके साथ जिनकी मृत्यु हो चुकी होती है उनका खास करके ये तर्पण डे जो होता है वो मनाया जाता है। ऐसे में किन चीजों का खास करके ध्यान रखना है, ये तो आपको मालूम हो गया कि 29 सितंबर से लेकर के 14 अक्टूबर तक रहने वाला है पितृ पक्ष, और 14 अक्टूबर को अमावस्या तिथि के साथ सर्व पितृ श्राद्ध के साथ ये समापन हो जाता है। ऐसे में कई चीजों का खास करके ध्यान रखना चाहिए। कहा जाता है कि पितृ पक्ष जब चल रहे होते हैं तो ऐसे में जो पितरों की मृत्यु तिथि होती है उसके अकॉर्डिंगली हमें पितृ पक्ष में उनका तर्पण करना चाहिए, उनके श्राद्ध करने चाहिए। और ये भी कहा जाता है कि जब आप श्रद्धा भाव से, आस्था के साथ और पूरा समर्पण के साथ आप उनके पितृ पक्ष के दौरान आप श्राद्ध कर्म करते हैं तो वो खुशी खुशी से अपनी पीढ़ी को ढेरों आशीर्वाद दे करके अगेन वो वैकुंठ में चले जाते हैं। तो पितरों के निमित्त आपको सद्भाव रखना है, पितरों के आने का जो समय है वो 29 सितंबर से शुरू होकर के 14 सितंबर के बीच का है, ऐसे घरों को शुद्ध रखना चाहिए, तामसिक चीजों से बहुत दूरी बना करके रखनी चाहिए, घर के अंदर किसी भी तरीके की कोई तामसिक चीज नहीं होनी चाहिए, इनफैक्ट प्याज और लहसुन तक का भी बहुत परहेज किया जाता है। ऐसे में
मांस मदिरा से दूर रहना चाहिए। ऐसे में घरों के अंदर लड़ाई झगड़े क्लेश नहीं करने चाहिए। कहते हैं कि अगर पितरों के तर्पण करने हैं, पितरों के श्राद्ध करने हैं, उस घर में कले क्लेश नहीं होने चाहिए, क्योंकि इन सब के आप उपायों के लिए, इस कष्ट से मुक्ति के लिए ही तो आप अपने पितरों के प्रति समर्पण भाव दिखाते हैं, अपने पितरों के प्रति आप श्रद्धा भाव दिखाते हैं। तो ऐसे में अगर आप बहुत लड़ाई झगड़े या बहुत वाद विवाद करते हैं तो आपके पितरों को संतुष्टि नहीं मिलती है। तो पितर आपके वैकुंठ में शांत रहे, वैकुंठ से आए, वैकुंठ से चले जाएं, और साथ के साथ आपको ढेरों आशीर्वाद दे। तो अपने घर की एनर्जीज को आपने अच्छा रखना है, शांत वातावरण रखना है। तभी इस समय कहा जाता है कि कोई भी घरों के अंदर जो शादी ब्याह या इस तरीके के रिचुअल्स होते हैं वो घरों में नहीं किए जाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये पितरों को आभास कराना होता है कि आप हमारे ही अभिन्न अंग थे, जिन्हें हम आज भी श्रद्धा भाव से याद करते हैं, क्योंकि जो है वो सब आपका दिया हुआ है, उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए और उन्हें बार बार नमन करना चाहिए, उनके लिए शांति पाठ कराने चाहिए, उनके लिए शांति यज्ञ कराने चाहिए और पूजा भक्ति घरों के अंदर रखनी चाहिए। स्वच्छ वातावरण अगर आप अपने घरों का रखते हैं तो आपके पितर वैकुंठ में भी शांत होकर के आपको ढेरों आशीर्वाद भी देते हैं और आपको हर कष्ट से मुक्त करते हैं और आपको दोष से मुक्त करते हैं, जो कि पितृ दोष, जिनसे आप हमेशा डरते हैं। वैसे तो हमारे पितृ हमारे ही पूर्वज होते हैं, वो कभी भी नहीं सताते हैं, लेकिन जब जाने अनजाने में कुछ ऐसी क्रियाएं हो जाती हैं जिसके चलते हमारे पितृ रुष्ट होते हैं, जिसकी वजह से पितृ रुष्ट होकर के हमें आशीर्वाद नहीं देते हैं और हमारा जीवन संकट की तरफ चलता है। तो अपने पितरों को नमन कीजिए, अपने पितरों के निमित्त ये 16 दिन तक चलने वाला श्राद्ध पक्ष होता है, इस समय अपने पूर्वजों को नमन करना चाहिए, उन्हें मन से याद करना चाहिए और उनके निमित्त दान तर्पण जरूर करना चाहिए और शुद्धता और शुभता घर के अंदर रखनी चाहिए। मेरे इस वीडियो को आपने सब लोगों तक जरूर पहुंचाना है कि पितृ पक्ष कब से शुरू हो रहे हैं और कब समाप्त हो रहे हैं और किन चीजों का हमने खास करके ध्यान रखना चाहिए, किस दिन कौन सा श्राद्ध पड़ेगा। बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी नॉलेज आपको, जानकारी जरूर देंगे अपने पितृ पक्ष के दौरान। अपने सारी वीडियोज को जरूर देखना है और मेरी सारी वीडियोज को आपने शेयर जरूर करना है। खुश रहें, स्वस्थ रहें, पॉजिटिव रहें। पॉजिटिव रहते हैं तो हर समस्या से हम दूर रहते हैं। जल्दी हाजिर होंगे एक अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी।